देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब आज यानी 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। बता दें कि इसको लेकर बीते दिन रिहर्सल भी हो चुकी है। वहीं ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बयाना व्यापार महासंघ की बैठक आज यानी 8 अक्टूबर को शाम 6 बजे से गणेशी मार्केट स्थित अग्रवाल मैरिज होम परिसर में होगी। बता दें कि व्यापार महासंघ अध्यक्ष विनोद सिंघल ने बताया कि बैठक में आमजन को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। भागलपुर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक आज यानी 8 अक्टूबर को मेयर कार्यालय कक्ष में होगी। बता दें कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इसमें निगम के सफाई कर्मचारियों की मांगों को मंजूरी दी जाएगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन आज यानी 8 अक्टूबर को विंडो खोल दिए जाएंगे। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दीपावली मेंटेनेंस को देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार बिजली विभाग के द्वारा बिजली कटौती की जा रही है। बता दें किसी के तहत आज यानी 8 अक्टूबर को सीकर में भैरूपुरा GSS का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते कुछ इलाकों में बिजली नहीं आएगी। रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी गरुड़ कंस्ट्रक्शन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का IPO आज यानी 8 अक्टूबर को खुलेगा। बता दें कि निवेशक इस इशू के शेयरों के लिए 10 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। भागलपुर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से शिक्षक TMBU को आवंटित किए गए हैं। बता दें कि इनकी काउंसलिंग आज यानी 8 अक्टूबर को होगी। DSW डॉक्टर बिजेंद्र कुमार के कार्यालय में काउंसलिंग कमेटी की बैठक होगी। दस्तावेज सत्यापन 11 बजे होगा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जमशेदपुर महानगर इकाई आज यानी 8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाएगी। बता दें कि महासभा के महामंत्री श्याम बिहारी लाल ने जमशेदपुर वासियों से सुबह 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की अपील की है। वीवा ईडी आज भारत में नई प्रीमियम MPV लॉन्च करने वाली है। बता दें कि कंपनी ने 21 सितंबर से E-MAX 7 के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया था, जो आज यानी 8 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज आसमान साफ रहेगा, हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन राजधानी में तापमान का बढ़ना जारी रहेगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। आज ही के दिन 1979 में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1998 में भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था। आज ही के दिन 1998 में भारत की फ्री स्टाइल महिला पहलवान दिव्या काकरन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2002 में पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का पुनः परीक्षण किया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।